एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इस वक्त बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस वक्त सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के लिए। दरअसल राजू श्रीवास्तव इन दिनों दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। आपको बता दें, बीते बुधवार को जिम में वह वर्कआउट कर रहे थे। वर्कआउट के दौरान राजू श्रीवास्तव को कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया था और अब उनके जल्द से जल्द ठीक हो जाने के लिए सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। लेकिन इस वक्त बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हॉस्पिटल से अपडेट आया है उनकी हेल्थ को लेकर। कहा जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव की हालत बेहद नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। 10 अगस्त को दिल्ली में एक जिम में वर्कआउट वह कर रहे थे। वह ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे और अचानक से उनके सीने में तेज दर्द उठा और वह नीचे गिर पड़े। राजू श्रीवास्तव को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। राजू श्रीवास्तव के PRO ने जानकारी दी थी कि राजू श्रीवास्तव कुछ नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली में रुके हुए थे, लेकिन बीते बुधवार की सुबह वह जिम चले गए और उनकी सेहत अचानक बिगड़ गई। अब कहा जा रहा है कि एम्स की कार्डियक केयर यूनिट में उन्हें एडमिट किया गया है। डॉक्टर्स की पूरी टीम उनकी जांच कर रही है। राजू श्रीवास्तव के एंजियोग्राफी भी की गई है, जिसमें उनके हार्ट के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज मिला है, डॉक्टर्स के मुताबिक सामने आया है। डॉक्टर्स ने खुलासा किया है कि उनकी हालत फिलहाल बेहद नाजुक है, इसलिए उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। रिपोर्ट्स की माने फिलहाल ये सबसे बड़ा हेल्थ अपडेट उनकी सेहत को लेकर आया है। उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और वह धीरे धीरे रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बल्कि राजनीति की दुनिया में भी उनकी अलग पहचान है। कई मुद्दों पर वह खुलकर अपनी बात रखते हुए दिखाई देते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।